ओ भाई सब बर्बाद हो गया यार। अब क्या करें हम लोग। अब तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंग है इन्होंने अपना सारा अपडेट कर दिया गया है। और जो यहाँ पे हम लोग डेली सेट जो था जो कि हम लोगों को पॉइंट इकट्ठा करने का मौका मिलता था, अब वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है, सब कुछ हाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या विंग चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसके रिगार्डिंग आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों जो नया अपडेट आया हुआ है जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सब कुछ यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, एक भी पॉइंट हम लोग यहाँ से और नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि जो हमारे पास जो वाउचर है जो कि रिडीम पेज होता है उसे देखते हैं, तो जो कि यहाँ पे गोल सेट करने के लिए ऑप्शन आता है वो भी इस प्रकार से है। और जो हमारा रिवार्ड का जो सेक्शन होता है तो यहाँ पे ऑप्स लुक लाइट यू आर ऑन द वे, तो इस तरह से हमारा कुछ ऑप्शन एरर आ गया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्स लुक्स लाइक यू आर ऑन द गो। तो आप लोग सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ में आपका यही इसी तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि रिडीम का जो पेज था वो हमारा कुछ इस प्रकार से हो चुका है। और जो हमारे पास जो ये पॉइंट इकट्ठा कर रहा था वो भी सब हाइड हो चुका है। तो इसका ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसके रिगार्डिंग आपको हम समझ जगह देने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग यहाँ पे रिडीम के सेक्शन में देख सकते हो कि रिडीम पर हम जो लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो रिडीम का जो पेज है वो हमारा जब ओपन होता है तो यहाँ पे उप्स लाइक का ही वही एरर आता है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग जानकारी को समझते हैं। ये हम अपने गूगल में कोई ओपन किए हुए थे, आपको हम बिंग के जो इसका ऑफिशियल ऐप्स है उसमें ओपन करके आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों इसे हम यहाँ से कट करते हैं और अपने हम बिंग को सर्च करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बिंग हमारा यहाँ पे है और इसे हम ओपन करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बिंग को ओपन किए और हम लोग आते हैं रिवार्ड के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिवार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर चुके हैं। तो जैसे हम लोग रिवार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिए हैं तो दोस्तों क्लिक करने के बाद जो हमारा पेज है वह लॉगिन होकर के आएगा। तो आप लोग पहले इसको ध्यान से और केयरफुली समझिएगा, तभी आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकेगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अब आने के बाद जो पॉइंट्स हमारा यहाँ पे दिखा रहा है और जो डेली चेक इन का है वो भी सब कुछ हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो इसमें जो पॉइंट है तो इसमें सब कुछ हमारा इस प्रकार से दिखा रहा है। तो आप लोग ये तो कंफर्म हो गया कि कभी कभी जो हमारे क्रोम पे है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो हमारा ऐप से इसमें काम करेगा। लेकिन अगर हम अभी इसकी बात करते हैं कि जो हमारा रिडीम का जो पेज है तो रिडीम वाले में क्या होगा, दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिडीम योर पॉइंट्स, हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे रिडीम के पेज पर लेकर के जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्स लाइक वाला जो एरर था वो हमारा अभी तक यहाँ पे है, यहाँ से हटा ही नहीं है। दोस्तों ये जो इसका अभी जो हो रहा है, तो आप लोग अलग अलग वीपीएन पे काम कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग ऐसा आपका एरर आ रहा है। तो आपको दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम एक वीपीएन को कनेक्ट किए हुए थे, अभी हम उस वीपीएन को हटा करके देखते हैं और जो हमारा इस आईडी है इसे भी हम लॉग आउट करके अन्य आईडी को लॉग इन करते हैं, फिर से आपको हम समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके जो हमारा वीपीएन जो कनेक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे जब भी वीपीएन को कनेक्ट किए रहेंगे उसे आपको पहले यहाँ से हटाना होगा। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक किए और जो हमारा वीपीएन का जो सेक्शन आ रहा है खुल करके, ये हमारा कनेक्टिंग दे रहा है, तो हम लोग क्लिक करके पहले इसे हम डिसकनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको हम सब कुछ लाइव दिखाने वाले हैं। चलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसे हम लोग बैक कर दिए, ये तो हमारा यहाँ से हट गया, लेकिन जो यहाँ पे एक्टिवेट का जो ऑप्शन है ये भी अब सब कुछ हमारा यहाँ से हट चुका है। अब जो भी हमारा वीपीएन है वह सब कुछ यहाँ से प्रॉपरली हट चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हट जाने के बाद आपको देखना होगा तो क्या करना होगा, अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बिंग को फिर से हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग यहाँ बिंग को ओपन कर लिए और हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वही एरर आ रहा है। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले जो आईडी है इसे हम लॉग आउट कर देते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर और जो हमारा आईडी पहले से इसे हम लोग लॉग आउट करके अन्य आईडी को हम लोग फिर से चेक करते हैं विदाउट वीपीएन का। दोस्तों उसे करने के लिए आपको प्रोफाइल पर आना होगा और प्रोफाइल पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पे जो आपका आईडी है इसे आपको पहले साइन आउट कर देना होगा। तो यहाँ से हम इसे साइन आउट कर देते हैं और नए आईडी को यहाँ पे साइन इन करते हैं। जैसे हम लोग फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले दोस्तों इसे हमें एरोप्लेन मोड में कर लेना होगा। यहाँ से हम इसे एरोप्लेन मोड में कर लेते हैं, हो चुका है। अब फिर से यहाँ पर इसे हम ऑफ करते हैं एरोप्लेन मोड और हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा नया आईडी है उसे हम लोग लॉगिन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ आईडी है इसे हम लॉगिन करने के लिए क्लिक कर दिए और यहाँ पे जो हमारा नया आईडी है वो हमारा लॉगिन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद आपको फिर से बैक आना होगा। जैसे हम लोग यहाँ से इसे बैक कर देते हैं, बैक कर दिए और आपको फिर से होम पेज पर आना होगा। तो हम लोग यहाँ से होम पेज पर आ गए। अब आपको दोस्तों रिवार्ड के जो इसका पेज बना हुआ है तो रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रिवार्ड वाले पेज पर जाना होगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग रिवार्ड वाले पेज पर भी आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारा रिडीम होता है या फिर नहीं होता है।
तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही हमारा पेज ओपन हो गया है सेम प्रोसेस के साथ और यहाँ पे सब कुछ हमारा पॉइंट दिखा रहा है जैसे आप लोग देख सकते हो, और हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखते हैं कि पॉइंट इकट्ठा होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक किए, इसे हम लोग बैक कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे ही रह गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, आने के बाद जो हमारा लिखा हुआ है रिडीम योर पॉइंट्स, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे रिडीम योर पॉइंट्स के ऊपर, तो जो हमारे पॉइंट्स को हमारे मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के जाएगा और वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो फिर से हमारा साइन इन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, होने के बाद क्या करना होगा कि हम लोग पहले से चेक करते हैं कि रिडीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पे ऑप्स लुक जो हमारा एरर था वो हमारा आ गया दोस्तों। तो यह आपको अभी कुछ घबराने की बात नहीं है दोस्तों। वो काम करना होगा कि वो दो दिनों तक आपको अपने आईडी पे कोई भी एक्टिविटी को नहीं करना होगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी को करते हो तो आपका फिर से यही एरर आएगा। तो आप लोगों को किसी भी कंट्री का भी वीपीएन या फिर इंडिया का भी काम नहीं करना होगा। आपको दो दिन तक छोड़ देना होगा, और आप लोग जैसे ही इसे छोड़ दोगे तो फिर से जो पहले का जो जैसा इंटरफेस था, तो सब कुछ हमारा रिडीम का जो ऑप्शन था सब कुछ हमारा यहाँ से दिखाई दे देगा। तो आपको दो दिन तक अपने आईडी को छोड़ देना है, कोई भी काम नहीं करना है। अगर कुछ करते हो तो आपका जो पॉइंट्स है उसे आप रिडीम नहीं कर सकते हो। रिडीम करने के लिए आपको छोड़ना होगा दोस्तों। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हम आपको जो समझाने वाले थे तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों, इसका एक ही सिद्धांत है कि अभी तक जो अपडेट चल रहा है तो अभी चल रहा है, इस पर अपडेट होता जा रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, या टेक्निकल इशू भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और फिर से सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ। टाटा, जय हिंद।